अब अपनी बाइक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। गाइस ये है हमारे स्प्लेंडर प्लस BS6 का फ्यूल पंप और इसको हम ओपन करने जा रहे हैं। गाइस काफ़ी ज़्यादा इसमें कचरा आने की वजह से हमारा मोटर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा था, तो हमारी जो बाइक थी झटका ले रही थी और इसका जो फिल्टर है इसमें काफ़ी ज़्यादा कचरा की वजह से हमारी बाइक झटका ले रही थी, तो इस फिल्टर को हम निकाल के अभी साफ करने जा रहे हैं। तो गाइस इसको जब कभी साफ़ करें तो इसके साथ जो होता है ये हमारा एयर कंडीशन, इसके वजह से हमें एयर कंडीशन साफ़ करना चाहिए और फिर से हमें इसको उसी तरह से लगा देना चाहिए जैसे हमारा पहले लगा था। तो गाइस उसके बाद हमें इसका इंजेक्टर ओपन करना चाहिए क्योंकि हमारा जो फ्यूल पंप से जाता है और ये हमारा रॉड इंजेक्टर पर ही जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है हमारे इंजेक्टर पर कचरा आ जाता है, तो कभी कभी क्या होता है हमारे इंजेक्टर भी दिक्कत करता है और इसी की वजह से कि हमारी बाइक झटका लेते हैं। तो गाइस हमारे इंजेक्टर में 2-10 नंबर बोल्ट लगे होते हैं, पहले इसको हम ओपन करते हैं, सॉकेट हटाते हैं। सॉकेट हटाने के बाद इसको हम इंजेक्टर को फिर ओपन करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए मैंने किस तरीके से इसको ओपन किया गाइस, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदा हो चुका है, आपको नज़दीक से दिखाते हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा इस पर कचरा लगा हुआ है और इसके मामूली छोटे छोटे 2-4 छेद होते हैं, 4-5, और वहीं से हमारा पेट्रोल जो होता है आता है, फवारा बना के हल्के हल्के छींटे मारता है। तो गाइस फिर से हम फ्यूल पंप को उसी तरह से सेट करेंगे, फ्यूल पंप हमने क्लीन कर दिया है। दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकें, क्योंकि आप जब तक हमारी वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तब तक हम कैसे आप जानेंगे हम लोग कि आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियो से आपको कुछ सीख मिल रही है या सिर्फ हमारा वीडियो बनाने मतलब यही है कि हम सिर्फ। तो वैसे अपने इस टंकी पेट्रोल टैंक को हम अपने बाइक में रख रहे हैं और अच्छी तरह से ध्यान रखें कि इस पर जो भी पाइप लगी है स्क्रूबर वाली, जो भी हमें सॉकेट दिए गए हैं वो सारे सॉकेट हमको लगाना उसी तरीके से। इसके नीचे हमारा स्क्रूबर पाइप लगी होती है और फिर हमारा फ्यूल पंप वाली जो सॉकेट होती है। तो कैसे हम इसका मोटर को चलाएंगे, देखते हैं पेट्रोल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो गाइस पेट्रोल तो अच्छा गिर रहा है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में काफ़ी तेज गिर रहा है। दो 3-4 बार इसलिए चला रहे हैं ताकि अच्छे से सफ़ा हो सके। उसके बाद हम क्या करें इसको इंजेक्टर में लगाएंगे और देखेंगे हमारा इंजेक्टर अच्छी तरीके से क्लीन हुआ है या नहीं हुआ है, तो हमें पता लग सके कि हाँ इंजेक्टर हमारा क्लीन हुआ अच्छी तरीके से। तो हम सेल्फ यूज करेंगे और उसके बाद इसको हाथ पे लेंगे फवारा, देखते हैं हमारा हाथ को गीला कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम सेल्फ यूज करेंगे उसके वजह से देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से फवारा निकाल रहा है, तो हम इसको उसी तरीके से फिर से इंजेक्टर को फिट कर देंगे। उसके बाद हम इसको फिट करने के बाद फिर हम बाइक को स्टार्ट करेंगे, थोड़ी देर ड्राइव करके देखेंगे कि अच्छे से हमारी बाइक रेस ले रही है। तो चाबी को हम 2-3-4 बार ऑन ऑफ करते हैं, उसके बाद हम मारते हैं इसका सेल्फ।